तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट की भाई भिड़म भिड़ी चल रही है, और उसके बीच में यहाँ पर जो आईफोन 12 मिनी एंड आईफोन 10 12 और पुराने सस्ते और अच्छे फोन जो आते हैं वो बहुत ही अच्छे खासे प्राइस ड्रॉप पे आया है, जो आपको चीज नोट करनी है। एप्पल पेंसिल 2 भी बहुत ही अच्छी पेंसिल थी, मुझे खरीदनी भी है और उसका प्राइस ड्रॉप हुआ है। मतलब यहाँ पर ये जो पोर्शन है उसको फिलअप करना है। यहाँ पर अभी जो एप्पल पेंसिल 2 आती है 8999 से आती है, वो भी अमेजोन पे। फ्लिपकार्ट पे कोई भी ऑफर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा कार्ड का ऑफर नहीं है। फिर यहाँ पर अभी जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल फोन्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन कोई भी लेना है, कोई भी परचेज गाइड के ऊपर टेंशन है तो मुझे बता देना, एंड्रॉइड फोन्स पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ तो टेंशन मत लेना। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर जो आईफोन 12 है वो 64GB जो आता है वो आता है 49999 से। उसके बाद यहाँ पर आप 4000 लगा के एक्स्ट्रा लगा लो तो आपको सारे जो स्टोरेज वेरिएंट है इसके जो आते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो 12 मिनी आता है वो बहुत ही सरप्राइजिंगली 36999 पे जाता है। सीरियसली, एक 70,000 का फोन जो है जो इतना बिकता भी नहीं है और उसका इतना प्राइस ड्रॉप कर दो। यहाँ पर मैंने देखा है कि भाई यहाँ पर जो फोन है वो बिकते नहीं है तो प्राइस ड्रॉप होता है, बट इतना नहीं होता है। यहाँ पर अभी जो चीजें है वो अनडाइजेबल है। यहाँ पर जो LG का फोन आया था, उसका भी प्राइस ड्रॉप ऐसा कुछ फ्लिपकार्ट ने किया था और स्कैम किया था। तो ये क्या स्कैम है क्या नहीं, अब ये जो चीजें है वो सेल खत्म होने के बाद आपको पता चली जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आईफोन SE 2 आता है जो अच्छा फोन है और अभी जो है 25,000 में आ चुका है। यहाँ पर जाते हैं फ्लिपकार्ट से अमेजोन पे, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज लेना है, कोई भी प्रोडक्ट लेना है, एक बात आपको एक चीज नोट करनी है, HDFC के कार्ड का मतलब ICICI बैंक का जो भी ऑफर है, जो कार्ड्स के ऑफर आते हैं वो सारे आपको ग्रैब करने हैं, कहीं से भी जुगाड़ करो। मतलब आपको लेना ही लेना है क्योंकि आपको जो प्राइस ड्रॉप है वो अच्छा मिल सकता है, इससे एडिशनल एक्स्ट्रा मिलेगा। जो आपको चीज नोट करनी है, सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE आता है। अगर आपको यहाँ पर एंड्रॉइड टैबलेट लेना है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा टैबलेट है। मेरे हिसाब से सैमसंग का है तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर शाओमी आता है। रियलमी ने अपना टैब भी निकाला है तो आप वो भी ले सकते हो, तो आपको ये चीज नोट करनी है, यूजर टू यूजर पे अप्लाई होता है। यहाँ पर अभी बात करते हैं आईपैड सेंट्रिक टैबलेट जो आते हैं। सबसे पहले जो टैबलेट आता है वो आता है 9th जनरेशन आईपैड, जो बहुत ही अच्छा खासा चिपसेट भी देता है, डिस्प्ले भी अच्छा है, बट लेमिनेशन नहीं है, जो आपको चीज नोट करना है। यहाँ पर हमें मिलता है 813 बायोनिक चिपसेट, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 10.2 इंच का यहाँ पर हमें रेटिना डिस्प्ले, वो भी ट्रू टोन सपोर्ट के साथ। तो उसके हिसाब से इसकी जो प्राइसिंग है वो है 30,900। यहाँ पर अभी कोई भी ऑफर नहीं है, बट यहाँ पर अगर आपके पास HDFC के कार्ड 10% डिस्काउंट मिल सकता है इंस्टेंट वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मिनी 6 के बारे में, तो यहाँ पर अभी इसकी जो प्राइसिंग है वो है 46,900। यहाँ पर बात करते हैं एक अच्छे टैबलेट के बारे में, जो बहुत ही एक अच्छा स्क्रीन देता है, बड़ा टैबलेट भी है और आईपैड भी है, प्लस ये अच्छी पॉइंट भी है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ आईपैड एयर 4th जेन के बारे में, तो यहाँ पर इसकी जो प्राइसिंग है वो आती है 42,900 से, अच्छी प्राइसिंग है, 55,000 के ऊपर जाता है। और उसके बाद यहाँ पर अभी ये प्राइस ड्रॉप हुआ है। यहाँ पर एक और चीज है जो आपको बता देता हूँ, जुगाड़ू लोगों को तो बहुत ही पसंद आया होगा, बट अगर आप और ज्यादा जुगाड़ू हो तो यहाँ पर आपको 38,900 तक पड़ने वाला है ये टैबलेट, अच्छी वैल्यू पे और मिल सकता है HDFC के कार्ड के थ्रू से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीजें मैंने क्लियर अप की है। तो वीडियो को जो है वो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो। पीस आउट, पीस।